क्वेश्चन नंबर 10 है अपने सामने। इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी 20 सेंटीमीटर दिया। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ट्राइंगल एबीसी बनाया अपन ने, ठीक है। अब इसमें ए बी दिया अपन को कितना 20 सेंटीमीटर, बी सी दिया 7 सेंटीमीटर, सी ये दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी सी को प्रोड्यूस किया गया आगे पतक और इससे ज्वाइन कर दिया गया, फिर दिया अपन को ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो बस इसमें अपन सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट यूज़ करके सी ए की वैल्यू निकालेंगे। सी ये कहाँ था, गया डी था, ठीक है। सबसे पहले अपन ने नाम दे दिए, इसको एक्स दे दो, इसको वाई दे दो, ठीक है। अब सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी, मतलब डी ए, डी ए क्या है अब बोलो सब वाई है, और डी सी क्या है एक्स, वाई अपॉन एक्स बराबर होगा किसके, बराबर होगा ए बी अपॉन सी ए के। ए बी क्या है अब बोलो 20 और सी ए क्या है 15, ठीक है, बराबर होगा किसके, डी बी और डी सी। तो डी बी क्या है आप बोलो सर, डी बी है 7 प्लस एक्स, और डी ए डी क्या है, ए डी है बाय, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या आप बोलो सर, समझ में आई। इसको 16 से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 5 20 और 5 3 15, ठीक है, 5 से काट दिया अपन ने। अब आप देखना ध्यान से क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, देखो एक्स यहाँ पे अपन को दिख रहा है 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 7 क्या है 4 का मल्टीपल है, एक्स यहाँ से दिख रहा है क्या 3 का मल्टीपल है, और एक्स प्लस 7 यहाँ से दिख रहा है 4 का मल्टीपल है, मतलब 3 के मल्टीपल में अगर अपन 7 जोड़ें तो 4 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो अपन 3 का मल्टीपल क्या है अब बोलो सर, 3 का मल्टीपल 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इनमें सब में 7 जोड़ के देख लो 12 किस में बन रहा है, 7 जोड़ के देख लो 12 किस में बन रहा है, 7 जोड़ के देखो 4 का मल्टीपल किस में बन रहा है, 7 जोड़ के देखो 4 का मल्टीपल किस में बन रहा है। तो 4 का मल्टीपल 3 7 10 हो रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 6 7 13 10 हो रहा है, 10 13 हो रहा है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 9 7 16, 4 का मल्टीपल होता है क्या 16 आप बोलो सर, बिल्कुल होता है। तो एक्स की वैल्यू 9 आ रही है, अपन ने अभी मान के देख रहे हैं, अभी अपन श्योर नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। ये कितना हो गया 9 7 16 16 हो गया, ठीक है। अब अपन को रेशो पता है कितना 4:3 है, 4:3 है, 4:3 है, और 16 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 4 तो ये है, मतलब ये 4 क्या है नीचे वाले में भी मल्टीप्लाई हुआ हुआ, और ये 3, तो 4 3 12 काय की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू आ गई 4 3 12 क्यों आ गए। इस कंडीशन को देखो आप, ये 12 का मतलब क्या है अब बोलो सर, 12 का मतलब है 4 3 12, 9 का मतलब क्या है 3 3 9, अगर यहाँ से 3 काट दें तो कह रहे 4:3 बन रहा है अब बोलो सर, बिल्कुल बन रहा है, 4:3 यहाँ पे बन रहा है, 4:3 यहाँ पे बन रहा है, 4:3 यहाँ पे बन रहा है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो अपन ने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली अपन 9, और वाई की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, वाई की वैल्यू निकाली 12। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है डी सी, डी सी मतलब एक्स की वैल्यू पूछिए, 9 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।